नमस्कार, मैं हूं किसले और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी कि चीन में फिर से क्यों लग रहा है लॉकडाउन, केसीआर की बेटी से क्यों की जा रही है पूछताछ। बात करेंगे ये भी कि बिहार में सीबीआई के एक्शन पर नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने क्या कुछ कहा। कोरोना का असर अब भले ही नाम मात्र का बचा हो, लेकिन कोरोना काल का लॉकडाउन शायद ही कोई भूल पाएगा। अब चीन एक बार फिर से अपने शहरों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रहा है। चीन में कोविड के मामलों में तो कमी आ रही है, लेकिन फ्लू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी वजह से चीनी अधिकारी कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। इस फैसले के बाद से लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसा करने से कोविड के वक्त जैसे हालात खराब हो जाएंगे। चीनी शहर सियान में लॉकडाउन को लेकर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि शहर में संक्रमित क्षेत्रों को बंद किया जा सकता है, ट्रैफिक को कम करने को लेकर भी आदेश जारी किया जाएगा, साथ ही उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों को भी निलंबित किया जा सकता है। शॉपिंग मॉल, थिएटर, पुस्तकालय, पर्यटन स्थल और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थान भी बंद रहेंगे। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के अनुसार सभी स्तरों पर स्कूलों और नर्सरी को बंद कर दिया जाएगा। शियोन की जनसंख्या लगभग 13 मिलियन है। ये शहर एक फेमस पर्यटन स्थल भी है। लॉकडाउन लगाने पर चीन के लोगों में गुस्सा है, वो इस फैसले को ठीक नहीं मान रहे हैं। आपको बता दें कि कोविड महामारी के दौरान चीन ने दुनिया के कुछ सबसे गंभीर कोविड प्रतिबंधों को लागू किया था, जिसमें कुछ शहरों में महीनों तक चलने वाले लॉकडाउन भी शामिल था। शियान शहर में भी दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के बीच एक कठोर लॉकडाउन लगा हुआ था। इस दौरान कई लोगों के पास भोजन और अन्य आवश्यक चीजों की कमी थी, साथ ही चिकित्सा सेवाएं भी प्रभावित हुई थी। और अब चीन एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रहा है, जिससे लोगों में गुस्सा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली आबकारी नीति यानी कि शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर की बेटी और बीआरएस के नेता के कविता पर केंद्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी की ओर से हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई की गिरफ्तारी के बाद के कविता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ईडी के हवाले से जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, उससे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े केस में कविता के तार पुरजोर तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी का कहना है कि अरुण पिल्लई केसीआर की बेटी के लिए बेनामी तरीके से पैसे लगाने का काम करता है। इन सब खुलासों के बाद ईडी ने आज के कविता से पूछताछ भी की है और इसको लेकर बीआरएस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी। आज उन्होंने जमकर बवाल भी मचाया, खूब नारेबाजी भी की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले केसीआर की बेटी के ऊपर जिस तरह से ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ते जा रहा है, क्या उसके पीछे कोई सियासी मायने भी हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि इस साल नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होना है। हम सब जानते हैं कि तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को ही खत्म हो जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले में कानूनी प्रक्रिया चाहे जो भी हो, लेकिन इसका असर तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी देखा जाएगा। दरअसल दक्षिण भारत में तेलंगाना उन राज्यों में शामिल है जिसमें कर्नाटक के बाद बीजेपी अपने पैर तेजी से फैला रही है, और यही वजह है कि के कविता पर ईडी के शिकंजे को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। केसीआर की पार्टी बीआरएस आरोप लगा रही है कि आगामी तेलंगाना चुनाव को देखते हुए बीजेपी और केंद्र में मोदी सरकार उनके नेताओं पर राजनीतिक साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई कर रही है। ईडी के कार्रवाई पर बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव का कहना है कि बीजेपी चाहे जो भी करे, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं भाजपा का कहना है कि कार्रवाई का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, शराब घोटाले की जांच के तहत मिल रही जानकारी के आधार पर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये कानूनी कार्रवाई है। हालांकि इतना तो तय है कि दिल्ली की आबकारी नीति केस में के कविता का नाम आने के बाद भाजपा तेलंगाना में इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने वाली। अरुण पिल्लई के खुलासे के बाद अब के कविता के लिए इससे बाहर आना आसान नहीं होगा। नवंबर दिसंबर यानी कि चुनाव के वक्त तक अगर इस केस में उनकी मिली भगत को लेकर कुछ नई बातें आती हैं, तो ये न सिर्फ के कविता के लिए बल्कि इससे लगातार तीसरी बार तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनने की सपना देख रहे हैं केसीआर की उम्मीदों पर भी पानी फिर सकता है। ये सब हम जानते हैं कि के चंद्रशेखर राव
पिछले कुछ महीनों से 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी बेटी पर ईडी का शिकंजा बढ़ रहा है और दिल्ली शराब घोटाले में के कविता को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, वैसे में केसीआर के लिए तेलंगाना में सत्ता बरकरार रखना अब सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप बताइए हमें। चलिए अब बात एक और छापे की कर लेते हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव की बेटियों और उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी की गई है। इस मामले में नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि रेड आज से हो रही है, ये तो 5 साल से चल रही है, हम लोग सरकार जब भी बनाते हैं रेड शुरू हो जाती है। अब क्या मामला, इसमें क्या कहा जाए। जिनके यहाँ रेड हुई है उन्होंने बताया ही कि क्या है। तेजस्वी यादव पर समन को लेकर उन्होंने कहा कि जिसके साथ हुआ है वो तो जवाब दे ही रहे हैं, हम क्या बोलेंगे। नीतीश कुमार का पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे, पटना से लेकर दिल्ली बम्बई हर जगह रेड पड़ा है, क्या कहेंगे। आज फिर समन जारी किया गया, फिर बुलाया गया। कर रहा आज इन पर हो रहा है तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहना। आपका सहयोगी पार्टी आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कुछ होता है उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहां पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना, 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग नहीं हुए, 5 साल बीत गया सब रेड हुआ, अब फिर हम लोगों के एक साथ हो गया तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर, कितना साल पहले से रेड हो रहा था तब फिर हो रहा था, कुंचित कर क्या कर रहे हैं तो याद कर लीजिए। खाली 17 हो गया जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहां के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया, हम भी मान लिए उन लोगों की बात, उन लोगों के साथ आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेट शुरू, तब क्या मामला है क्या मामला नहीं है तो वही लोग ना बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे। तो एक तरफ जहां सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लालू की बेटी रोहिणी लगातार सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोल रही है। छापेमारी का एक वीडियो सामने आया जिसमें कि अधिकारी सेप्टिंग टैंक की खुदाई करते नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ तेलंगाना में कार्रवाई, दिल्ली में कार्रवाई, बिहार में कार्रवाई, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर होगी कि उन्हीं विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है जो भविष्य में बीजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने की राह में चुनौती है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें बताइएगा। बाकी आज के डिजिटल बुलेटिन में इतना ही, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।